always want to have it. You can have it. Yeah, you can have it with the light. सर चीजें तो ओपन सर सर विजुअल कर लेंगे ना पहला तैयारी कर सर सर थैंक यू सर सर सुजन भाई बता दूंगी तो फिर आप फिल्म क्यों देखेंगे और तो देख लीजिए फिर यही तो बात है मिस्टेक सभी लोग करते हैं यू नो दैट इज़ द होल थिंग इट इज़ अ रॉन्ग मिस्टेक और यही टाइटल है इसी में सस्पेंस है फिल्म बहुत छोटी है 10 मिनट के अंदर ही है बट इट इज़ अ वैलेंटाइन स्पेशल द सस्पेंस दिस थ्रिलर दिस लव दिस इमोशन आई हैव ट्राई टू मेक अ फिल्म आई ऑलवेज से फिल्म फिल्म होती है चाहे बड़ी हो या छोटी और फिल्म में कहानी है और आई होप मैंने बहुत दिल से बनाई है आपको अच्छी लगेगी देखो मेरी रॉन्ग मिस्टेक है मेरी रॉन्ग मिस्टेक है सेकेंड रॉन्ग मिस्टेक विद लक्ष्मी क्योंकि इससे पहले आप लक्ष्मी ने एक बायोग्राफिकल फिल्म बनाई अप्पा जो बहुत ही टचिंग और सेंसिटिव है और अप्पा वॉज अ ट्रिब्यूट टू हर फादर टू फादर डॉटर रिलेशनशिप और रॉन्ग मिस्टेक एक बहुत ही जब उसने मुझे वन लाइन सुनाई थी फ़ोन पे एंड के अमित सर ये लाइन है मैंने कहा बना बना मतलब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है टाइटल मुझे इंटरेस्टिंग लगा मैंने रॉन्ग मिस्टेक बहुत सही टाइटल कि भाई ये मतलब एक गलती जो कि गलत है और उस साथ साथ मतलब फिल्म एक्चुअली दो किरदारों की कहानी है और मैं आई थिंक ये बाइट्स बेटर रहेंगी फिल्म के बाद ज़्यादा अच्छी रहेंगी तो आपको मजा आएगा मतलब मज़ा भी आएगा सवाल अच्छे भी रहेंगे आपको पता भी होगा क्या कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग होगा तब मेरे ख्याल से सो हम शुरू करेंगे फिल्म एटलीस्ट 10 मिनट में शुरू करते हैं फिल्म पहली स्क्रीनिंग मैं चाहती हूँ आप लोगों को मज़ा भी आएगा ओके थैंक यू वी डू फोटो जवान को देख लें अभी सब लोग सामने एक तरह ऑलम्पियर स्ट्रेट ओलंपियर स्ट्रेट मैम यहाँ पे अरे आप भी आइए आपके बिना कैसे हो सर आप भी आइए अरे सबको थोड़ी बताने का है इनके लिए तो अच्छा था। बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था माइंड ब्लोइंग था पहली बार तो ऐसा कुछ करने को मिला मुझे मैंने भी जब ये कहानी पहली बार सुनी मुझे झटका तो लगा बट इट्स किसी के साथ ऐसा हो चुका है एक सेकंड के लिए लगा बट नहीं पर दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं सब ठीक है सब सही है सब गलत है सब सही है अरे यार तू रिवील मत कर यार वो सब पर्सपेक्टिव है कुछ सही गलत नहीं है वो सिर्फ नजरिया है और कुछ नहीं है अब यार वो देखो इतना ओछा आदमी है कि अपनी ही मतलब उसको बोल रहा है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा कि भाई आप लोग के रिश्ते में कुछ नहीं होगी प्रॉब्लम तो अब वो मतलब इंसान हर टाइप के होता है ना ये हमारे सिंटा में हर तरह के लोग हैं बेसिकली ये ना आपके पास कोई जवाब नहीं छोड़ता है सिर्फ क्वेश्चंस पूछता है सबको लगा कि अरे ये
ये भी आई थिंक विराट को भी पूरी रात बिताने के बाद रियल कि ये इतना ऊंचा हो सकता है, और ये मतलब सब कुछ एक मतलब जो क्षण एक स्पर पे हो गया हो गया, उसके रेपरकशन बाद में रियलाइज होते हैं। पहले जब ये बेडरूम कहता है तब एक सेकंड के लिए शक होता है तो आई कि ऐसा तो नहीं कर रहा, फिर जब अंदर जाती हूँ तो मुझे लगता है मुझे जो विलास के पेपर चाहिए वो हैं। सो हाँ, वन आफ्टर अनदर धोखा ही हो गया। जी यार भाई, सही बोलूँ तो हमारा तो हर रोज़ ही वैलेंटाइन डे होता है, वो अपनी मोहब्बत ख़त्म ही नहीं हो रही है। वाह, 25 साल पूरे हो गए मिले हुए, सिल्वर जुबली चल रही है, क्या बात है। So, कोई स्पेशल प्लानिंग करनी नहीं पड़ती है, इनका हर दिन वैलेंटाइन दिन होता है, हर रात स्वागत। वाह मैडम, आप बताइए मैडम, पूछ रहे मैडम। हाँ मैडम, हाँ आपका वैलेंटाइन। बॉस, आई एम सिंगल बॉस, नो वैलेंटाइन्स हैपनिंग इन माय लाइफ, नो अदरवाइज जस्ट अ जोक, माय वाइफ इज आउट ऑफ टाउन। देखो सच्चाई आगे बात, नो बट इट्स जस्ट दैट नहीं, मैं पर्सनली वैलेंटाइन्स और ऐसी बर्थडेज मेरे को ये ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में मायने नहीं रखती चीज़ें, इट जस्ट फॉर फन यार, नो रियली सीरियसली नेवर, रियली नेवर डू। यार मैं ये इनकी बातें सुन के तो मुझे देख रहा है मेरी यार बीवी की तबीयत खराब है, तो मैं बहुत बुरा लग रहा है मुझे यार। नहीं बढ़ाई नहीं बैठ कुछ यार, 14 फरवरी हर साल आती है, हर साल जाती है, मतलब मुझे लगता है कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट मीन, मतलब तुम गलत उम्र के लोगों से वैलेंटाइन। हाँ, वैसे वैसे भी देखिए हमारे यहां उसको मातृपितृ सेवा दिवस कहते हैं। करेक्ट, या सेंट वैलेंटाइन, मैं सेंट वैलेंटाइन को वर्शिप करूंगा किसी भी रूप में हो, क्योंकि स्टोरी हमने देखा 10 मिनट की लेकिन बहुत स्ट्रांग स्टोरी है, तो जब इस तरह की स्टोरी पहली बार आप लोगों को सुनाई गई कि इस तरह की जाने वाली है, इस तरह के फिर मैच आने वाला, तो क्या देखा आप लोगों का कि नहीं, एक सेकंड के लिए वही ना सुन के हल्का सा झटका लगा, रियली, क्योंकि हमें बताया गया था कि जो कहानी सुनाने से पहले बता दिया गया था कि ऐसा असलियत में हुआ है। हाँ बिकॉज लक्ष्मी ने मुझे एक वन लाइन फ़ोन पे सुनाई और मुझे उसने कहा कि मुझे सुशांत और अचित दे, आई थिंक दे आर करेक्ट, मैंने कहा ये ले सुशांत का नंबर, ये ले अचित का नंबर, उनको सुना मुझे अच्छा लगा। So, it was, yeah, ऐसा तो वो, उसके बाद मतलब उसका एक एज है, यू पुश द एनवेलप अ बिट, ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हुआ भी है। उसका तो एक्साइटमेंट और एंथू लेवल इज सो मच कि वो ही आपको एक्साइट कर देता है उसके साथ काम करने के लिए। शॉर्ट फिल्म बड़ा अलग फॉर्मेट है भाई, एक्टर्स के लिए तो सेम ही है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर में एक्ट करना है, डायरेक्टर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, डायरेक्टर दोनों आपको 8-10 मिनट में अपनी पूरी कहानी देनी है और आपको इम्पैक्ट भी लाए काम, वर्किंग कंडीशन जाहिर सी बात है बजट कम होता है कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स, तो पैशन के लिए करते हैं सब लोग, इसमें वो वैनिटी वैन मेकअप रूम अलग से वो लग्जरीज कुछ नहीं होती है भाई, बट यू हैव फन, बट यू हैव फन बिकॉज यू नो इट्स लाइक अ पिकनिक, मुद्दा क्या है किस लिए कर रहे हो मालूम है अच्छी तरह। नहीं यार ये तो देखो जब टीवी आया था शुरू में तब लोगों ने बताया फीचर फिल्में बंद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, कट टू एक टाइम आ गया जब फिल्में 2,000 करोड़ का धंधा कर रही हैं, सो वो तो खत्म नहीं होगा, बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का अपना चाम है, लेकिन हाँ ये 10 मिनट का प्लेटफॉर्म जो है ना ये अगला बड़ा प्लेटफॉर्म है, अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम है, हर एक के हाथ में स्क्रीन है, कोने कोने में नेटवर्क पहुंच गया है, कुछ स्पेशल ऐप्स भी हैं, एक ऐप है विमियो वो 10 मिनट के वीडियोस में ही स्पेशलाइज करती है, सो दिस इज द न्यू बिग प्लेटफॉर्म, बी रेडी। एक्चुअली इट्स गुड फॉर अस कि हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अब हम मैं प्रिडोमिनेंटली टीवी एक्टर हूँ तो मैं जिस दिमाग से काम कर रही हूँ, जो थॉट हमारे सीरीज में आजकल होता है उससे मुझे भी कई बार एक फ्रस्ट्रेशन होती है, वाई कॉन्ट आई डू समथिंग कंटेम्प्री विच इज़ रियल विच आई कैन रिलेट टू, यू कैन रिलेट टू, सो फॉर मी ऑल्सो इट्स अ न्यू ऑप्शन, आई एम लाइक थैंक गॉड मेरे को एक और एवेन्यू मिला है जहाँ मैं कुछ अलग कर सकती हूँ, so I'm praying this works like how भाई इतनी लंबी तो फिल्म भी नहीं है जितना लंबा इंटरव्यू ले लिया। बिल्कुल देखेंगे और प्रे करिए कि हम आप हमें देखें, लोगों को लगा कि हम इसके लायक हैं, अगर तो प्लीज अपील है भाई काम दो। एक सवाल नहीं पूछा मैं, 3 दिन से रिहर्सल किया उस सवाल की,
तो आपने ये शॉर्ट फिल्म क्यों की? पूछिए ना, पूछिए प्लीज, प्लीज पूछिए, पूछिए क्योंकि इसने पूछो ना सिद्धार्थ, आपने ये शॉर्ट फिल्म क्यों की? बिकॉज हमें बिग फिल्म मिल नहीं रही है इसलिए हमने शॉर्ट फिल्म की। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी वैलेंटाइन टू ऑल ऑफ यू।